आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में कुछ चीजें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हम कोई नंबर को एक नंबर को दूसरे नंबर के ऊपर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो जनरली रिप्लेस होता है, लेकिन जब हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं तो पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ पे होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में मान लीजिए मैंने एडिशन ले लिया, एडिशन लेने पे क्या होगा, दोनों नंबर के बीच में जो कैलकुलेशन होगा एडिशन और रिजल्ट आपका पेस्ट हो जाएगा, एटलीस्ट 50 आपका पेस्ट हो जाएगा। फिर पेस्ट स्पेशल में यहाँ अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, ओके तो चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, एक डेटा समरी बनाई है प्रोडक्ट वाइज या मंथ वाइज और वो हमने अपने बॉस को भेजने के लिए रेडी किया है। जैसे कि किस पर्सन ने किस प्रोडक्ट का कितना सेल किया है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ओके ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि हमने बॉस को बोला तो बॉस ने सिंपल यहाँ पे बोला कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है किसने कितनी क्वांटिटी सेल की है, मुझे इनके यहाँ पे परसेंटेज दे दो कि उसने अपने टारगेट कितना परसेंट अचीव किया है और सभी का कंबाइंड टारगेट 70 है, भी 70 सबको सेल करना है। अब बॉस यहाँ कहते हैं कि मुझे यहाँ पे इसका अचीवमेंट परसेंटेज चाहिए ना कि टारगेट चाहिए, ओके तो क्या करें ओके इसके लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 70 को उठाते हैं और इस कॉपी करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ हम कर देते हैं डिवाइड, हर नंबर को 70 से करते हैं डिवाइड और फिर इसको हम परसेंटेज लगाते हैं, एक सिंगल क्लिक में हो जाता है। यही नहीं, अगर मान लीजिए हर किसी का अलग अलग परसेंटेज टारगेट है, जैसे मान लीजिए हर बंदे का हर प्रोडक्ट का अलग टारगेट, यहाँ पे हमने वो चीज लगा दी कि हर बंदे का अलग टारगेट, अब मुझे क्या करना है कि इन जो टारगेट्स है इनको उठा के इसके ए इसको उठा के इस पे आपको करना है डिवाइड। 83 को 81 से, 74 को 63 से, 28 को 64 से, 49 को 22 से, ऐसे वन बाय वन कर, तो आप पूरी की पूरी रेंज को कॉपी करके इसके ऊपर डाल सकते हो, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ हमने कर दिया डिवाइड, तो वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी ये आपका वर्क करेगा, ओके ओके। अब दूसरा आता है कि मेरे पास कुछ सेल्स फिगर है, मेरे पास कुछ सेल्स के फिगर है, अब हम इस सेल्स फिगर को लेते हैं और मैं चाहता हूं इसके सामने हमने क्यूसी टीम को बोला क्यूसी करने के लिए तो उन्होंने कुछ एरर निकाला, जैसे 31 जैसे 12 जैसे 62 इस तरह से कुछ एरर्स निकाल दिए, भाई ये गलत है सही होना चाहिए, अब मुझे सबको अपडेट करना है। अब एक एक को अपडेट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर, क्या है सर? तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में हम यहाँ देख रहा होगा आपको स्किप ब्लैंक, तो मतलब कि नॉर्मली हम पेस्ट कर देंगे तो ये ब्लैंक भी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें पेस्ट उतना ही करना है जितना हमारा डेटा है, ओके जहाँ पे वैल्यू है, ओके हाँ मतलब जिसके 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 आगे वैल्यू लगा हुआ है हम जस्ट उसी को पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ठीक है। तो यहां हम जो है सिलेक्ट करेंगे पेस्ट एज स्पेशल में, ये आपके सामने दिख रहा होगा पेस्ट एज ए लिंक,
ठीक है। स्किप ब्लैंक है बट हाँ स्किप ब्लैंक, ओके कर दीजिए। ओके। ओके करते हैं आपका, ये देखिए अपडेट हो गया 12 सटी, बाकी जो ब्लैंक है वो अपडेट नहीं। ठीक है, ओके उसके बाद हम बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक की। जैसे मान लीजिए ये डेटा है, मैं दूसरे सीट पर रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दूसरे जगह पे या दूसरे किसी सीट पे ये लिंक हो जाए। लिंक के मतलब कि मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूँ तो वहाँ ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इसके लिए जनरली हम इक्वल प्रेस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एंटर मारते हैं, और फिर यहाँ जब हम इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, देखिए नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो यह डेटा आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़े डेटा में प्रॉब्लम होती है। तो बड़े डेटा पे कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरा नहीं, जैसे कि मान लीजिए मुझे P1 को लिंक नहीं करना है, P2 P3 को करना है, हमने कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन के थ्रू इसको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद कहीं भी जाता हूँ पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मैं यहाँ पेस्ट एज ए लिंक को क्लिक करता हूँ, पेस्ट एज ए लिंक। ठीक ठीक है, है ओके अब ये लिंक हो गया। अगर यहाँ मैं कुछ चेंज करता हूँ, इसमें यहाँ पे 75 69 P1 नहीं लिंक है ना, हाँ 70, यहाँ 74 को 47 करता हूँ, एंटर मारते देखिए ये अपडेट। हम सेम सीट पे अनोदर शीट पे अनोदर फाइल पे भी कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, ओके पेस्ट एज ए लिंक। जी हाँ, पेस्ट एज ए लिंक। उसके बाद हम इसको पेस्ट एज ए पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको कर लिया, मान लीजिए कि एक कलरफुल करके आइकन दे दिया है, तो अब मुझे इसको कॉपी करना है, कॉपी करके जो है इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट के नीचे जाइएगा तो ये रहा पेस्ट एज ए पिक्चर, तो इसको पिक्चर में कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में, जिसको जहाँ जहाँ मर्जी वहाँ जैसे मर्जी वैसे रख सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा तो यहाँ भी हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर मैं कॉलम डी को छोटा करूंगा तो पूरा कॉलम छोटा होगा, और नीचे हो सकता है कि पहले से डेटा लिखे हो, इसलिए इसका ध्यान हम लोगों को रखना होता है। ओके, ओके तो हम लोग जब ज्यादातर डैशबोर्ड वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। सर जी ओके लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये हमारे डेटा से लिंक नहीं होती है। अगर यहां हम कुछ चेंज करते हैं तो ये चेंज नहीं होगा, फिर से वापस कॉपी पेस्ट करना। मैं चाहता हूं चेंज ओके भी हो, तो उस केस में हम इसको करते हैं सिलेक्ट, सही माफ कीजिए, कॉपी करते हैं पहले। कॉपी करने के बाद हम करते हैं इसको पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, सबसे लास्ट वाला पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। जब इस पर क्लिक लिंक करते हैं, अब यहाँ पर जब सेलेक्ट करके हम यहाँ से मान लीजिए कोई कलर दे दिया, तो देखिए यहाँ पे कलर, ओके ओके और सिर्फ एक्सेल पे ही नहीं, इसको वर्ड पावर पॉइंट सब पे ले जा सकते हैं। जैसे मैं एक वर्ड दिखा देता हूँ, वर्ड पे ले जाके और यहाँ हमने कर दिया पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में देखिए पिक्चर लिंक, और सेलेक्ट करके ओके कर दिया। ठीक है सर, ओके अभी इधर कुछ काम करके इफ आई वांट टू फिक्स इट ऑन द मेल मेल पे करना है तो अभी क्या मेल पे मतलब मेल अभी एक पिक्चर जैसे मुझे नहीं, मेल में भेजना है मेल और पे कैन आई नहीं कॉपी फ्रॉम होगा, हियर टू मेल पे करने के फायदा नहीं है, क्योंकि मेल अगर आपने सेंड कर दिया किसी को, थोड़ी आप यहाँ चेंज करें तो वहां चेंज हो जाएगा।
नहीं अभी अभी सिर्फ सिर्फ वैल्यूज, अभी वैल्यू ऐसे बनाना है और आई वांट टू फिक्स इट ऑन द मेल। मतलब समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी समझे सर, अभी ये जो टेबल बनाया ना आपको, आपने अटैचमेंट जैसे नहीं है, पार्ट ऑफ द मेल करना है मेरे को। ये नेम पूजा मोहन पी वन पी टू पी थ्री, ये वैल्यूज यस सर प्लीज एनक्लोज द वैल्यूज बोल के मुझे ऐसे टेबल को उधर चिपकाना है, एक्चुअली मेल का बॉडी ऑफ द मेल। हाँ तो कर सकते हैं सेम इसी तरह से। देखिए जो आप वर्ड में कर सकते हैं वही आप आउटलुक के मेल पे भी कर सकते हैं। तो आउटलुक यूज करते हैं मेलिंग के लिए, कुछ और यूज करते हैं हाँ आउटलुक, तो कर सकते हैं आउटलुक। ओके रिपेस्ट वेब एज अ से पिक्चर। पिक्चर ओके सेम पेज से पिक्चर लिंक, पिक्चर लिंक कुछ भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेस्ट स्पेशल पेज से सॉरी एक मिनट हमने इसको कॉपी नहीं किया। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक तो नॉर्मली पेस्ट स्पेशल पे एज ए पिक्चर कर दीजिए, या पेस्ट स्पेशल में जाके पिक्चर लिंक भी हाँ कर नहीं सकते पेस्ट हैं। पिक्चर ही चाहिए, पिक्चर चाहिए। हाँ लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपने जब इसको सेंड कर देंगे तो फिर चेंज नहीं हाँ होगा, जब तक ये ड्राफ्ट में है तब तक सेंस। चेंज होगा। तो सेव एज ड्राफ्ट कर ओके लीजिए, ओके तो ड्राफ्ट में रहेगा, ओके या फिर इसका टेम्पलेट बना लीजिए कि बार जब भी आप ओपन करेंगे तो डेटा आपको चेंज मिलेगा। ओके ठीक है ओके जी। क्लियर है। हाँ जी अब पेज से पिक्चर लिंक में भी एक हमारा खास चीज होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आज उसको बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि फिर मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए हम आपको पहले उसकी वीडियो देना चाहते हैं। देखिए क्लासेस में जब भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा और मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग उसको डायरेक्टली कैच नहीं कर पाएंगे तो हम उसका ये वीडियो भेजेंगे, बन। हम वीडियो भेजेंगे। ठीक है तो पिक्चर इसको बोलते हैं पिक्चर लुकअप, मतलब कि आप किसी डेटाबेस से पिक्चर के बिहाफ पे कैसे लिंक करेंगे ये है। तो ये दोनों का वीडियो लिंक जो है वो यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे पड़ा है। तो यूट्यूब का वीडियो लिंक हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, आप बैठ के आराम से इसको देखें। देखने के बाद अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन वगैरह होता है तो इसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम क्लास में कवर करेंगे कल। ठीक है ठीक तो कल की क्लास में हम ये चीज़ों पे कवर करेंगे, तो आप ही मैंने भेजा उसको देख लीजिए।